एक बार एक फौजी से एटीएम गार्ड ने पूछा कि भाई आप डेली आते हो और 100 रुपए निकालते हो, इससे बढ़िया आप जरूरत के हिसाब से एक साथ क्यों नहीं निकाल लेते। तो उसके बाद जो फौजी ने जवाब दिया ना, वो आप लोगों को सुनना चाहिए। फौजी ने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट से मेरी वाइफ का मोबाइल लिंक्ड है, जब मैं यहां से पैसे निकालता हूं तो मेरी वाइफ को एक मैसेज जाता है, जिसके बाद उसे और घर वालों को यह तसल्ली हो जाती है कि मैं जिंदा हूं। गाइस, फौजियों की भावनाओं को समझिए, वो सिर्फ हमारे लिए और देश की रक्षा करने के लिए ऐसी जगहों पर ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। तो आज हमारे सब फौजी भाइयों के लिए एक सल्यूट तो बनता है। गाइस, एक जिंदा इंसान अगर पानी में तैरना नहीं जानता तो वो पानी में डूब सकता है और मर सकता है, लेकिन एक मृत शरीर अपने आप पानी में तैरने लगता है। ये कितनी अजीब सी बात है, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक तर्क क्या है, जरा उसे भी जान लेते हैं। देखिए, पानी में वो चीज डूबती है जिसकी डेंसिटी या घनत्व पानी से ज्यादा होता है। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इस वजह से हम लोग डूबने लगते हैं। लेकिन डूबने के बाद जब मृत शरीर में हम लोग परिवर्तित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में पानी घुस जाता है और अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पनपने लगते हैं और अंदर गैस बनाने लगते हैं, और उसी गैस की वजह से हमारी बॉडी का घनत्व या डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है और इस वजह से अपने आप ऊपर आके हम लोग तैरने लगते हैं। यही इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। आप लोगों के एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, चाहे आपके एग्जाम कैसे भी हो, टेंशन मत लेना, क्योंकि एक कागज के टुकड़े आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करते। हां, अपना 200% दो, लेकिन टेंशन मत लो। और एक बात मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने बच्चे को 90% लाओगे तो ये दूंगा, 95% लाओगे तो ये दूंगा, ये कहा होगा, सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसे ये भी कहो कि अगर नहीं आते या तू फेल हो जाता है तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपके बच्चे आपका गर्व है, उनका साथ दो, क्योंकि एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। पंजाब के बठिंडा के एक छोटे से गांव से निकला हुआ ये लड़का, जो अपनी गायकी से उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की याद दिलाता है, रातों रात इंडियन आइडल 11 का खिताब जीत के सुपरस्टार बन गया। लेकिन ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही ऐसे में पिताजी की मृत्यु हो गई। अपनी माँ को और घर को सहारा देने के लिए उसे बूट पॉलिश तक करना पड़ा। बिना तालीम के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने सुन सुनकर उसने गायकी सीखी और उसके बाद उसने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये लाइमलाइट में तब आया जब आनंद महिंद्रा ने उसके एक वीडियो को ट्विटर पे शेयर किया। फिर उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़के कभी नहीं देखा और फाइनली इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम कर लिया और अपनी माँ का सपना भी पूरा किया। तो इस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। जब वो अपनी पहली सोलो मूवी रिलीज रॉकी का इंतजार कर रहा था तो उसके 3 दिन पहले उसकी माँ का देहांत हो गया। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इस गम को भुलाने के लिए उसने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन ड्रग की लत ने उसे मार दिया। 2 साल तक ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए वो यूएस रहा, लेकिन उसके बाद जब उसने कमबैक किया तो खलनायक जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। 1993 के बम धमाकों में अवैध हथियार रखने के चक्कर में उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन फिर से जब रिहा हुआ तो वास्तव जैसी मूवी में फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उसके बाद मुन्ना भाई जैसी मूवी में राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीते। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई। 2013 में अदालत ने उसे फिर से दोषी पाया और 5 साल की कैद की सजा सुना दी। इतने उतार चढ़ाव देखने वाले हमारे संजू बाबा आज भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए हैं। तो अपने संजू बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है।